दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सिनेमेटिक सॉन्ग प्रोजेक्ट लेकर के आया हूं, जो कि बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड का लिंक हर बार की तरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे ये भी बताते चलो दोस्तों कि आप इसे EDS 8, EDS 7, EDS 9 या फिर EDS 10, इन चारों वर्जन में से किसी भी वर्जन पे आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। अगली जानकारी मैं आप लोगों को ये भी दे दूं दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के बाद इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है, जो कि मैंने थंबनेल पे लिख रखा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके आप जब इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो आपको एक इस तरीके का जिप फाइल दिखाई देगा, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दूं कि ये एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और इसमें जो पासवर्ड लगना है वो आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगी, और वो पासवर्ड मिलेगी आपको 10 अंक की, जो कि मैं 5 बार अलग अलग जगहों पे बता करके हर बार मैं आपको 2 अंक दूंगा, जो कि आपको नोट करके इसके अंदर एंटर करना है। और सारा पासवर्ड एंटर करने के बाद, यानी कि 10 अंक इसके अंदर एंटर करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। चलिए ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फाइल को अनजिप करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है विनरार। तो विनरार का लेटेस्ट वर्जन आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आसानी से आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा और वो फ्री में मिल जाता है। आप उसे फ्री डाउनलोड करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आप इस फाइल पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। इसमें आपको पासवर्ड डालना है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, टोटल 10 नंबर इसमें 10 डिजिट मैंने फिल करा हुआ है। फिल करने के बाद ओके पे प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद आप देख पाएंगे इस तरीके से एक वहां पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगी। आइए फोल्डर को हम डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर आपको एक डाटा के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट डाटा इसका पड़ा हुआ है, और बाहर एक आपको प्रोजेक्ट दिखाई देगा। इसी प्रोजेक्ट को हम लोड करेंगे तो ये पूरा हमारा मटेरियल EDS में लोड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे यूज करेंगे और इसमें फुटेज कितना टाइम का लगेगा। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि इसका डिजाइन कैसा है और कितना बेहतर बन पाया है। आगे बढ़ने के साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को इसका जो पहला पासवर्ड है वो मैं नोट करवा देता हूं। इसका जो पहला पासवर्ड है वो है 98। आगे ये बताता चलो दोस्तों कि अभी इसके 4 पासवर्ड और बाकी हैं, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा वॉच करना है आपको। चलिए हम अपने EDS को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने अपने EDS को स्टार्ट कर लिया हुआ है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप EDS को स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपका 1920x1080 25 फ्रेम पे ही स्टार्ट करना है। अगर कभी भी आप किसी गलत फ्रेम पे स्टार्ट करते हैं तो हो सके कि उस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता में कमी आ जाए या फिर किसी और भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो कंप्लीट कभी भी प्रोजेक्ट ओपन करें तो 1920x1080 25 फ्रेम पे ही आपको EDS को चालू करना है। चालू करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ध्यान देना है दोस्तों, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपको इंपोर्ट सीक्वेंस करके ओपन नहीं करना है, ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप जहां भी इस प्रोजेक्ट फाइल को रखे हुए हैं आप वहां पे चले जाएंगे। जैसा कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो हम डेस्कटॉप पे हम डबल क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहां पे एक प्रोजेक्ट फाइल हमें दिखाई दे रहा है। हम इसको ओपन करके लोड करेंगे। लोड करने के बाद हम इसको चला करके चेक करेंगे कि इसका डिजाइन कैसा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं इसका जो दूसरा पासवर्ड है वो आप लोगों को नोट करवा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। जो इसका दूसरा पासवर्ड है वो है 67। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि जो इसका दूसरा पासवर्ड है वो है 67। चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ दोस्तों, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट मेरा फुटेज और ये सॉन्ग दोनों ओपन हो चुका है। किसी भी तरीके का कोई भी इसमें डेटा वगैरह रिस्टोर नहीं कराना है, कोई भी मिसिंग नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को ये बता देते हैं कि आपको फुटेज कैसे इसमें रिप्लेस कराना है। तो यहाँ पे एक मैंने फोल्डर बना रखा हुआ है फुटेज के नाम से, आपको इस पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये फुटेज लगा हुआ है, आपको ध्यान देना है कि फुटेज यहाँ पे किस तरीके से आपको रखना है। फुटेज रखना है दोस्तों यहाँ पे बॉय कपल गर्ल, फिर बॉय फिर कपल फिर गर्ल, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शो कर रहा है, फिर यहाँ पे बॉय कपल गर्ल, फिर बॉय कपल गर्ल, इस तरीके से आपको रखते चला जाना है। ये सारा 25 सेकंड का है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हम रिस्टोर ना कराएं तो फिर आप यहाँ पे पॉज के बगल में आपका जो मिसिंग फाइल का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करके भी आप इसको रिस्टोर करा सकते हैं, या फिर यहाँ पे एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको रिस्टोर ऑफलाइन क्लिप यहाँ पे उस समय हाईलाइट हो जाएगा जब आपका फुटेज मिसिंग होगा, तो आप इस पर भी क्लिक करके आप रिस्टोर करा सकते हैं अपने फुटेज को। वापस आते हैं दोस्तों अपने मेन एडिट किए हुए सीक्वेंस के ऊपर, और इस प्रोजेक्ट को हम प्ले करके आप लोगों को इसका डिजाइन दिखा देते हैं। मैं इसको एक बार थोड़ा सा प्ले करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं। डिजाइन काफी बढ़िया है और पूरा कट टू कट मैंने बनाने का प्रयास किया हुआ है, कोई भी फालतू के इसमें ग्राफिक्स वगैरह नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि यह प्रोजेक्ट आप लोगों को काफी पसंद आएगा। वैसे आप लोग मेरे प्रोजेक्ट को बहुत पसंद करते हैं, इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए क्रम में मैं इसका जो तीसरा पासवर्ड है वो आप लोगों को मैं नोट करवा देता हूं। जो इसका तीसरा पासवर्ड है वो है 54। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि जो इसका तीसरा पासवर्ड है वो है 54। तीसरा पासवर्ड देने के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी दो बार इसके पासवर्ड और बाकी हैं, तो आगे आपको इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है। दोस्तों आज का जो ये सॉन्ग मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये बड़ा फेमस गाना है, गाना आपने पढ़ लिया होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके विषय में कुछ और जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवा देते हैं। आगे बढ़ते के साथ जो इसका चौथा पासवर्ड है वो नोट करवा देता हूँ आप लोगों को, आप नोट कर लीजिए। जो इसका चौथा पासवर्ड है दोस्तों वो है 34। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो इसका चौथा पासवर्ड है वो है 34। जानकारी आप लोगों को ये देनी है दोस्तों कि ये मान लीजिए कि आपका फुटेज अगर मिसिंग है तो आप इसको रिस्टोर कैसे कराएंगे। तो इस चीज को बताने के लिए दोस्तों मैं अपने डी ड्राइव में जा करके और जहां पे मैंने फुटेज को रखा हुआ था, जहां से मैंने रिस्टोर कराया हुआ था, उसको मैंने रीनेम कर दिया है और इसका सोर्स वहां से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है। अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे टाइमलाइन में किसी भी तरीके का कोई भी गर्ल बॉय कपल के फुटेज नहीं आ रहे हैं, और नीचे यहां पे देख रहे होंगे कि 14 फाइल की मिसिंग है। मैं बता देता हूं कि कैसे रिस्टोर होगी। आप यहां पे डबल क्लिक करेंगे जहां पे ये मिसिंग वाली जगह है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पे स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे होंगे कि ये हमारा बता रहा है कि डी ड्राइव में एक फोल्डर होना चाहिए प्ले एडिट फुटेज के नाम से, उसके अंदर B01, B02, B03, B05 इस तरीके से हमें उसके अंदर फाइलें चाहिए, और फाइल किस फॉर्मेट पे चाहिए वो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि MP4 में फाइल होनी चाहिए। दूसरी बात कि आगे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे 25 सेकंड की इसको क्लिप की जरूरत है, जो कि आपको वहां पे फुटेज को कटिंग करके रख देंगे तो वहां से रिस्टोर करा सकते हैं। रिस्टोर कैसे करेंगे, हम पूरे क्लिप को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, रिलिंक सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे अपने डी ड्राइव के अंदर। और डी ड्राइव में आप देख पा रहे होंगे यहां पे दोस्तों प्ले एडिट फुटेज के नाम से एक आपको फोल्डर बना देना है, और 25-25 सेकंड के 5 बॉय 5 कपल और 5 गर्ल यहां पे फुटेज आपको रेंडर करके रख देना है। और यहीं पे आप जब इसको लोकेशन देकर के सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे, आसानी से आपका सारा का सारा फाइल रिस्टोर हो जाएगा। चलिए प्ले करके एक बार हम और भी चेक कर लेते हैं इसको। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को काफी पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है ये प्रोजेक्ट तो वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने में कितना डेटा आपका खर्च करना पड़ेगा। तो इस जिप फाइल पर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसको डाउनलोड करने के लिए तकरीबन 200 MB का डेटा खर्च करना पड़ेगा। जिप फाइल को अनजिप करने के बाद दोस्तों इसमें से 226 MB डेटा निकल करके बाहर आएगा, जो कि आसानी से आप किसी भी ड्राइव में रख करके इसे रिस्टोर करके चला सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसका जो पांचवा और अंतिम पासवर्ड है वो मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं। जो इसका अंतिम पासवर्ड है दोस्तों वो है 24। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि जो इसका अंतिम पासवर्ड है वो है 24। वीडियो और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि कहता मैं हर बार हूं, और आप लोग मेरी वीडियो को देख करके पासवर्ड निकाल करके प्रोजेक्ट ले लेते हैं दोस्तों, पर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, एक भी कमेंट नहीं करते हैं, और ना ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आप लोगों के लिए पूरा दिन लगा करके वीडियो बनाता हूं, प्रोजेक्ट बनाता हूं, लेकर के आता हूं, पासवर्ड देता हूं, और आप लोगों के फ़ोन उठा करके आप लोगों के प्रॉब्लम के सोल्यूशन करवाता हूं। तो कम से कम इतना फ़र्ज तो आप लोगों का ही बनता है दोस्तों कि वीडियो में एक लाइक जरूर करके प्यारा सा कमेंट भी करें, और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें। जानकारी एक और भी आप लोगों को दे दूं दोस्तों कि जितने लोग मेरी वीडियो को देखते हैं उन सभी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों एक बटन ही तो सिर्फ दबाना है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी अपने चैनल पे ढेर सारा सब्सक्राइबर देख करके अच्छे अनुभव का एहसास हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।